कन्फ्यूजन। बॉर्डर पर लड़ने वाले भारतीय सैनिक पाकिस्तान के या कोई भी देश के आतंकवादियों को मारते हैं तब उन्हें पाप लगता है या नहीं? ये प्रश्न इसलिए हो रहा है कि हमारे जैन धर्म में कई जगह ऐसा सुनने में आया है कि जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं अपितु पाप ही होता है। धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन के माध्यम से परम पूज्य उपन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा इस कन्फ्यूजन का सुंदर सोल्यूशन देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सोल्यूशन, इस प्रस्तुति में हमें कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, खासकर उन युवाओं को जो अहिंसा को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। खास तौर से जैन धर्म में हिंसा अहिंसा एवं पुण्य पाप के बारे में भ्रांति पालने वाले हजारों लोग हैं। खुद को समझदार मानने वाले भी ना समझ का शिकार बन बैठे हैं। प्रश्न का सोल्यूशन जरूरी भी है और प्रभु महावीर के ही दिए गए सिद्धांतों के द्वारा देना ही उचित भी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर ने विश्व को जो सिद्धांत दिए हैं उन्हें देखकर तो किसी का भी मन जैन धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रस्तुत करने का हो जाए। सर्व सिद्धांतों में अनेकांतवाद का सिद्धांत सर्वोपरि माना जा सकता है। श्री आचारंग सूत्र में प्रभु महावीर खुद सुधर्मा स्वामी जी को बताते हैं कि जो आसवा ते परिसवा, जो परिसवा ते आसवा, यानी कि जो पाप के साधन माने जाते हैं वो ही साधन धर्म के बन सकते हैं, जो पाप के स्थान माने जाते हैं वो ही स्थान धर्म के बन सकते हैं, जो पाप के कारण माने जाते हैं वो ही कारण धर्म के बन सकते हैं, जो पाप का निमित्त बनता है वो ही निमित्त धर्म का भी बन सकता है। इससे विपरीत जो धर्म के स्थान साधन कारण निमित्त है वो पाप के भी बन सकते हैं। जो इस अनेकांत सिद्धांत का अस्वीकार करता है वो प्रभु वीर के बोध को समझने के लिए भी अयोग्य है। जो अनेकांतवादी न होते हुए जो एकांतवादी बनता है वह श्री महावीर स्वामी भगवान का नहीं अपितु किसी संप्रदाय विशेष का हो सकता है। जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं ही, ऐसा सूत्र एकांतवादी लोगों का है। हिंसा सूक्ष्म हिंसा के रूप में अविरत यानी कि बिना रुके अनिवार्य रूप से चलती ही रहती है। यदि सूक्ष्म हिंसा या जरूरी हिंसा में भी पाप मानेंगे तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। सांस लेने में भी हिंसा जो होती है। अहिंसा और अज्ञानता दो अलग चीजें हैं। अहिंसा का एकांत पकड़ने वाला अहिंसक नहीं लेकिन अज्ञानी या धर्म का द्वेषी जरूर बन जाएगा। आज ऐसे कई एकांतवादी दिखते ही हैं जो मंदिरों का प्रभु प्रतिमा का विरोध करते ही रहते हैं। गाड़ी बंगला अपार्टमेंट में उन्हें पाप नजर नहीं आता है लेकिन तीर्थ में मंदिर आदि में प्रभु की प्रतिमा आदि में उन्हें पाप दिखने लग जाता है। इस एकांत में फंसने वाले अहिंसक कितने बने वो तो पता नहीं लेकिन मंदिर विरोधी प्रभु प्रतिमा विरोधी एवं प्रभु भक्ति के द्वेषी जरूर बन गए। आप अगर गौर करेंगे तो ऐसे एकांतवादी लोग दुनिया के हर द्वार को खटखटाएंगे, हर तरफ माथा टेकेंगे लेकिन प्रभु के मंदिर में उन्हें पाप नजर आता है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने एक मजेदार रहस्य प्रकाशित किया है कि कक्षा के भेद से धर्म भी भिन्न भिन्न माना गया है। कक्षा भेदे धर्म भेद, छोटी छोटी हिंसा का त्याग सिर्फ साधु साध्वी जी भगवंत यानी कि संसार त्यागी के लिए ही जरूरी माना है, अन्य संसार यानी कि गृहस्थों के लिए नहीं। सैनिक की तो बात ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल साधु साध्वी जी भगवंतों ने 5 महाव्रत लिए हैं जिसमें एक इंद्रिय जीवों की भी रक्षा आ गई लेकिन श्रावक श्राविका अगर नकल करेंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो अग्नि जल वायु आदि सभी जीवों की रक्षा करना चाहते हैं तब तो रसोई भी नहीं बना पाएंगे, व्यापार आदि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, धर्म आराधना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें फिर चंदन पूजा पक्षाल पूजा पुष्प पूजा में भी हिंसा ही दिखेगी। वो स्थानक या उपाश्रय भी नहीं बना पाएंगे या फिर वो गुरु वंदन के लिए भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसमें भी उन्हें पाप ही दिखेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि श्रावकों को बेहिसाब हिंसा करनी ही, लेकिन विवेकपूर्वक जयनापूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए अनिवार्य हिंसा तो करनी ही पड़ेगी। इसमें जो एकांत पकड़ेगा वो अहिंसक तो नहीं लेकिन धर्म से विमुख जरूर हो जाएगा। ये विषय थोड़ा अलग है, बहुत जल्द विस्तार में लेने का प्रयास करेंगे जिससे कई लोगों के मन में चल रहा ये भी बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब इस विषय पर देखें तो चाकू छुरी से जो गुंडा किसी के पेट को काट कर जेल में जाता है वही चाकू छुरी से डॉक्टर पेट काटने के बावजूद लोगों की जान बचाकर सम्मान पाता है, आशीर्वाद पाता है, दुआ पाता है। क्या सच्चे और नेक दिल डॉक्टर को हिंसक कहेंगे? जो बंदूक आतंकी के हाथ में हो तो पाप का कारण बनती है, वो ही बंदूक सैनिक के हाथों में रहकर भारतीय जनता की रक्षा के भावों से पुण्य का कारण भी बन सकती है। जो टीवी या मोबाइल गृहस्थों के लिए पाप का स्थान बन सकता है वही टीवी या मोबाइल किसी सज्जन और धर्म प्रेमी इंसान के लिए पुण्य का स्थान भी बन सकता है। टीवी के अंदर आ रही धर्म की बातें सुनने वाले को पापी कैसे कह सकते हैं?
पुरुष के लिए महिला जहां विकार का कारण माना जाता है, वही महिला यदि माता, बहन, बेटी के रूप में या किसी धर्म संबंधी के रूप से जुड़ी हुई हो तो वात्सल्य एवं पवित्र भावों का कारण बन जाती है। घास फूस वनस्पति की हिंसा निजी भोग सुखों के लिए करने वाले को जहां पाप का बंध होता है, वहीं पर गाय को दया भाव से घास खिलाने वाले सज्जनों को पुण्य का बंध होता है। ऐसा सभी संप्रदाय वाले मानते ही है और उसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। घर, होटल और सिनेमा हॉल बनाने वाले को जहां पाप लगता है, उससे ठीक विपरीत में प्रभु का जिनाल या उपाश्रय बनाने वाले का धर्म हो रहा है। पाप अनुमोदना में ताली बजाना जहां पाप माना गया है, ठीक उससे विपरीत धर्म के समर्थन में ताली बजाना धर्म माना गया है। ऐसे तो लाखों करोड़ों दृष्टांत हम ले सकते हैं। मजेदार संदेश देने वाला एक चुटकुला इसी संदर्भ में देखते हैं। एक भारत प्रेमी भारतीय लिखता है, अमेरिका के शिकागो शहर में बसने वाले एक भाई का मेल आया है। ये मेल इस प्रकार है, मैंने यहाँ बहुत डॉलर कमाए मगर यहाँ के क्राइम से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बंगले के अलार्म सिस्टम कोई बार बार तोड़ डालता है। 15 दिन में एक बार घर में चोरी हो जाती थी। महीने में एक बार रास्ते पर सरेआम मुझे कोई लूट लेता। महीने में दो बार मेरी पत्नी जो कुछ शॉपिंग करके लाती उसकी लूट हो जाती। मेरे बच्चे स्कूल से वापस लौटे तब उन पर हमला करके उनकी पॉकेट मनी, घड़ी, शूज, लैपटॉप आदि सब लूट लिया जाता। मैंने अनेकों बार पुलिस को शिकायत की मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर मैंने एक आइडिया लगाया। मैंने अपने कॉम्पाउंड के दो कोने में पाकिस्तान के दो झंडे गाड़ दिए। बस उसी दिन से चमत्कार हो गया। शहर की सिटी पुलिस, FBI, CIA, पेंटागन आदि सारी सुरक्षा एजेंसियां मेरे घर के इर्द गिर्द 24 घंटे सातों दिन और 12 महीने निगरानी रखती है। मैं जहां जाऊं वहां मेरे पीछे दो आदमी सादे वेश में नजर रखते हुए घूमते हैं। मेरी पत्नी का तो पर्स लेकर कोई भागने की हिम्मत ही नहीं करता। मेरे बच्चे भी फुल प्रोटेक्शन में मजे से घूम रहे। थैंक यू पाकिस्तान। कभी भी भारत प्रेमी नागरिक पाकिस्तान को प्यार नहीं कर सकता मगर अनेकांतवाद का मजा देखो। ऐसी जगह पर पाकिस्तान का उपयोग करना वाजिब है। ठीक उसी तरह कभी भी जिन शासन प्रेमी, प्रभु महावीर स्वामी प्रेमी या सुशावक हिंसा को प्यार नहीं कर सकता मगर हिंसा का सही जगह पर सही समय में उपयोग करना उचित है। कभी कभी ऐसे प्रसंग भी जीवन में आते ही है जहां हिंसा मजबूरन करनी पड़ जाती है। हिंसा के समर्थन में तो खुद भगवान महावीर भी नहीं थे मगर गृहस्थ जीवन जो हिंसा से ही भरा हुआ है, वहां होने वाली अनिवार्य हिंसा को सिद्धांत में गौण स्थान प्रदान हुआ है। आतंकवादियों को मारने का जिम्मा जिसके सर पर है, वो यदि अहिंसा का जाप रटने लगेगा तो निर्दोष एवं निर्बल प्रजा का कत्ल हो जाएगा। वो आतंकी को मारने की हिंसा अत्यधिक हिंसा को रोकने का कार्य करती है। वो हिंसा न करे तो महाहिंसा होने की संभावना हो जाती है। ऐसी मजबूरी में की गई हिंसा मजबूती प्रदान करती है अहिंसा को। हमारे जैन धर्म में श्री कुमारपाल महाराजा का चरित्र सुप्रसिद्ध है। 18 देश के राजा बनने के बाद उन्होंने हिंसा का डर दिखाकर अहिंसा का डंका बजाया था, अर्थात अहिंसा की रक्षा करने के लिए अपनाई गई हिंसा हिंसा नहीं बल्कि धर्म है, कर्तव्य है, विवेक है। जैन धर्म अहिंसा वाला धर्म है लेकिन अहिंसा का एकांत नहीं है। अगर अहिंसा का एकांत कोई पकड़ता है तब तो उसे श्वास लेना भी बंद करना पड़ेगा। धर्म रक्षा के विषय में, साधु साध्वी जी भगवंत की रक्षा के विषय में, तीर्थ रक्षा के विषय में अहिंसा का एकांत पकड़ बैठेंगे तो वो अहिंसा नहीं, वो कायरता है, वो अज्ञानता है। एक सर्प यानी कि सांप किसी संत के सत्संग में आकर परिवर्तित हो गया। आज तक कई लोगों की जीवन लीला समाप्त करने वाले इस सर्प ने अपने जीवन में आए बदलाव से संत को अवगत कराया और पूछा कि अब आगे के जीवन में मुझे क्या करना है, मेरा अग्रिम कर्तव्य क्या है। तब संत ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा कि वत्स, आप किसी को डंक मारकर खत्म करने से दूर रहना। आपके कारण बेवजह किसी निर्दोष की अब से जान न जाए उसका ध्यान रखना। कुछ महीनों के बाद जब संत वापस लौटे तब उन्होंने सर्प को घायल पाया। संत ने पूछा कि वत्स, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई। सर्प ने जवाब दिया, आपने मुझे डंक मारकर जहर उगलने से पाबंद किया था, लोगों ने मुझे कुचल डाला, मेरी क्षमा, अहिंसा एवं सज्जनता का दुरुपयोग किया गया। संत ने सटीक बात बताई, वत्स, मैंने तुझे डंक मारने की मना की थी, फुफकारने की नहीं। तू अपने फन चढ़ाकर किसी दुष्ट दुर्जनों को मारने की धमकी भी देता तो भी तेरी यह हालत नहीं होती। आज हमारा जैन धर्म भी ऐसी गलत फहमी से घायल हो रहा है। हमारी अहिंसक भावनाओं की हंसी उड़ाई जा रही है। हमारे जैन धर्म एवं जैन धर्मी को आम जनता कायर कमजोर मानने लगी है। कारण स्पष्ट है कि हम भी गलत फहमी के शिकार हुए हैं। अहिंसा के अतिरेक ने अनेकांतवाद की बलि चढ़ा दी है। जो सैनिक देश की सीमा सुरक्षा में लगा हुआ है,
जो सैनिक अपने परिवार घर की चिंता छोड़ देश के करोड़ों परिवारों की सुरक्षा में खड़ा हुआ है, जो सैनिक अपने माँ बाप की रक्षा के स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे भारत के माँ बाप की रक्षा के लिए दुश्मनों से लोहा ले रहा है, दूसरों के जीवन के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने निकला हुआ है, उसके बारे में भी हमारी ऐसी घटिया सोच हमारी समझदारी पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती है। यदि देश सुरक्षित नहीं तो देश में पनपने वाले धर्म या धर्म के स्थान भी सुरक्षित नहीं रह सकते। आप कह सकते कि वो सैनिक मुफ्त में थोड़ी कर रहा है, वो पैसे तो ले ही रहा है ना, लेकिन ये सोच भी उचित नहीं है। पैसे लेकर भी यदि सैनिक देश की सुरक्षा करता हो तो वो सेवा ही मानी जाएगी, क्योंकि पैसे मिलते हो तो भी कोई अपनी जान की बाजी लगाना नहीं चाहता है। भारतीय सैनिक यदि पाकिस्तानी आतंकी या किसी भी आतंकी को मारता है तो वो क्यों मारता है? उसे क्या हिंसा करने का शौक है या रक्षा की कर्तव्य भावना है? कुछ साल पूर्व दिल्ली चातुर्मास में भारतीय सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश जी महाराज साहब को मिलने आए थे। उन्होंने अपना बहुत बड़ा कार्यकाल कश्मीर घाटी में बिताया था। उनके मार्गदर्शन में हजारों सैनिकों ने काम किया था। उन्होंने जो एक बात बताई वो सभी के दिल को छू गई थी। उन्होंने कहा, हम जिस आतंकी को मारते हैं वो हमारा निजी दुश्मन यानी कि पर्सनल एनिमी नहीं होता है, वो हमारा व्यवसायिक दुश्मन यानी कि प्रोफेशनल एनिमी होता है। इसलिए मारने के बाद भी हम उसके शव की उनके धर्म के आधार पर अंतिम क्रिया करते हैं या उसे उनके परिजनों को सम्मान के साथ सौंप देते हैं। आतंकी के जनाजे में कई बार हजारों लोग जुड़ते हैं। आर्मी के सैनिकों पर पत्थर बरसाए जाते हैं। आतंकियों की धमकी के डर से मृत सैनिक की अंतिम यात्रा में गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ता है। आतंकी हमारे सैनिक के सर काट कर ले जाते हैं। देश के रक्षक की इससे बड़ी कबूलात क्या हो सकती है कि हिंसा हमारी मजबूरी है न कि शौक। हाँ, यदि कोई सिपाही आतंकी को अपना निजी दुश्मन मान ले, यानी कि देश का नहीं खुद का, देश रक्षा के भाव न हो और सिर्फ हिंसा के ही भाव हो, यदि ऐसी हिंसा करने का न मिले तो आत्महत्या भी करने की इच्छा हो जाए। सैन्य सेवा को सिर्फ व्यवसाय का रूप मानकर भ्रष्टाचार मांसाहार व्यभिचार दुराचार एवं गद्दार में पछड़े में पड़कर पाप करने लगे, अपने शस्त्रों से निर्बल एवं निर्दोष को भी परेशान करने लगे तो ऐसे सैनिकों को पाप भी लग सकता है। राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा, धर्म एवं नीति रक्षा के पवित्र भाव यदि दुष्ट भावों में बदल जाए तो धर्म पुण्य के बदले पाप लगने की संभावना बढ़ जाती है। पाप और पुण्य का सीधा संबंध अपने अंतःस्थल के भावों से जुड़ा हुआ है। इसलिए उपदेशमाला में भी लिखा है, जम जम समयम जीवो आविसै जेन जेन भावेन सो तम्मी तम्मी समय सुहासुहम बंधहे कम्मम। अर्थात जो जिस भाव में रमता है उसी के आधार पर उसे पुण्य और पाप का बंध लगता है। कुल मिलाकर जैन धर्म अहिंसावादी तो है लेकिन अहिंसा का एकांत नहीं है। इसलिए जैन धर्म को विवेक प्रधान धर्म कहा गया है, अनेकांतवाद प्रधान धर्म कहा गया है कि जिस समय में जिस क्षेत्र में जिस परिस्थिति में जो आवश्यकता हो वो करना, विवेक बुद्धि के साथ करना, वो ही धर्म है। कोई मर रहा हो और निष्ठुर बनकर अहिंसा की माला जपना जैन धर्म नहीं है। एट द सेम टाइम विवेक खोना भी जैन धर्म नहीं है। कहीं कोई आफत आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस चलो सीधा तलवार लेकर पहुंच जाते हैं, व्हाट्सएप में अनाप शनाप डाल देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। कोई भी कार्य में विवेक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद ऐसा कह सकते हैं कि विवेक नहीं तो धर्म नहीं। तो इस एपिसोड में हमने एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन का सोल्यूशन देखा। जय जिनशासन, जय महावीर।